शकुंतला की अभिज्ञा या तो अभिज्ञान करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बेचारी शकुंतला उलझ गई कई हस्तप्रतों में, कई हस्तप्रत प्रतियों में और पाठ संपादनों में उलझी हुई। शकुंतला को सही रूप में पाना और शकुंतला का कालिदास ने जो रूप बनाया है, कालिदास ने जो चित्रण किया है, वो हमारे सामने रखने के लिए उन्होंने करीब करीब 75 हस्तप्रता का संकलन आकलन किया। और हम गुजराती भाषा में तो कहते हैं ना कि हस्तप्रतो हस्तप्रत विद्या असमीक्षित संपादन, ये तो धूल धोवान का, धूल धोने का काम। लेकिन धूल धोने का काम, धूल धोवानो काम इतने कराने के दस भूल ही गया है कि बला सोनी के झवेरी हो यानी दुकान आगर तरी के धूल एकठी करें धूल धोई धोई दे एम के रजकणों पी रजत रजकणों रजकण हो सोने नहीं सोना ना हो बदा रजकणों भेगा करें कदाच कदाच क्या कशुक न पर मे तो 75 हस्तप्रतो એમણે 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 40 જાણે કે 40માં ને 40માં અને એમાંથી આ ગુજરાતી આંચું એમાંથી એ 75 રાષ્ટ્રપ્રથમોથી એ 75 40માં 40ને પહેલાં તો એમાંથી બધા કાંકરા દૂર કર્યા અને પાછું કારણ કે આ એમાંથી કાંકરા દૂર કર્યા પછી પાછું એને પાછું ફરી એને 75 પાછું નિરીક્ષણ કરવું પડે, એક એક દાણો નિરીક્ષણ કરવો પડે, એક એક દાણો, એક એક અક્ષર, એક એક શબ્દ, એક એક વાક્ય અને જે આખી સમીક્ષા કરવી પડે ને, તો મારે આ બધાની સમીક્ષા કરવાની મારી કોઈ ક્ષમતા નથી, પણ આવા પ્રકારની એક 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 શકુંતલાને સાચી રીતે પામવાની, ઓળખવાની, ઓળખ કરાવવાનું જે એમણે એક ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે 75 હસ્તપ્રતોને આધારે, એ ખરેખર અદભુત છે કારણ કે દેશ વિદેશના આ હસ્તપ્રતો ઉપર કામ કરનાર, મેન્યુસ્ક્રિપ્ટોલોજી ઉપર કે હસ્તપ્રત્યા ઉપર કામ કરનાર જે જાણીતા 10-15 જે જાણીતા દેશના અને વિદેશના પણ જે વિદ્વાનો છે, એવા વિદ્વાનોમાં ડૉક્ટર વસંતભાઈનું નામ આદરથી લેવામાં આવે છે અને આવા પ્રકારના વક્તા આજે મારા નામની વ્યાખ્યાનમાં પ્રાપ્ત થયા તે બદલ એમના પ્રત્યે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું, ધન્યવાદ કરું છું. ડિપાર્ટમેન્ટના સંસ્કૃત વિભાગના બધા જ સારસ્વતોએ, અધ્યાપક મિત્રોએ, ડૉક્ટર દિલીપભાઈ, ડૉક્ટર દેવસિંહભાઈ, વૈશાલીબેન, પછી બધા જ અધ્યાપકો અને કેટલા બધા સારસ્વતો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. પાછું આ વ્યાખ્યાનનું ગૌરવ તો એ થયું કે આખું એ વ્યાખ્યાનમાં બધી પાછળથી ચર્ચાઓ કેટલી બધી થઈ, સમીક્ષાત્મક સંપાદનમાં એટલી વેસ્ટર્ન સમીક્ષા પણ આવી અને પશ્ચિમની પણ, પશ્ચિમમાં પણ કેવા પ્રકારનું છે, શું થઈ રહ્યું છે અને અહીંયા ભારતની જે બધી હસ્તપ્રતો એમાં શું કેવા પ્રકારનું થઈ રહ્યું છે, એટલે સમીક્ષાત્મક આવૃત્તિ તૈયાર કરવામાં આવી રીતે સમીક્ષાત્મક ચર્ચા વિચારણા પણ થઈ, એટલો બધો વિચાર વિમર્શ થયો. અને અજીતભાઈ તો પાછું બીજું એમની એમનામાંથી જે વાણી નીકળે ને, જે વાણી એ હૃદયમાંથી સાચી વાણી નીકળે, એક એક શબ્દ એક એક વાક્ય મૂલ્યવાન હોય, દિલીપભાઈનું હોય કે ચક્રવર્તી સાહેબનું હોય કે દ્વિજી સાહેબનું હોય કે દિનાનાથ હોય ને એમનું હોય, તો આટલા બધા વિદ્વાનો જ્યારે ઉપસ્થિત હોય ત્યારે સૌ વિદ્વાનોને, સૌ સારસ્વતોને, સૌ સરસ્વતીઓને પણ નમસ્કાર કરું, બધા વિદ્યાર્થીઓને પણ નમસ્કાર. આભાર. મેં અધ્યક્ષીય ઉદબોધન કે લીએ મેડમ કો સાદર નિમંત્રિત કરતા હું.
दोषोऽयं विद्यतेतव भारति व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति संचयात्। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात। आज हमने साक्षात रूप से इस भाव को यहाँ पर घटित होते हुए देखा है और मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ संस्कृत विभाग पाटन के सौजन्य से और वसंत भट्ट भाई के सौजन्य से कि आपने ये कहा कि आप धन्य हैं जो आप इस पांडुलिपि का दर्शन कर पाए। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम धन्य हैं कि हमने इस प्रकार का एक अद्भुत व्याख्यान सुना। कालांतर में हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि हम किस प्रकार के व्याख्यानों को सुना करते थे और सुनते सुनते उन व्याख्यानों को सुनते सुनते हमने ये जाना कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे पाठ्यक्रम में जो सिलेबस हमको प्रकाशित रूप से प्राप्त होता था उसमें ये लिखा हुआ होता था कि अभिज्ञान शाकुंतलम निर्णय सागर प्रेस, कि वो सबसे आइडियल सबसे वो आदर्श प्रकाशन है, उससे बड़ा कोई प्रकाशन नहीं है। पर हमको तब ये बिल्कुल ज्ञात नहीं था और हमारी अनेक पीढ़ियाँ इसी प्रकार से अभिज्ञान शकुंतला नाटक का पठन करते हुए स्वाध्याय करते हुए और अध्यापन करते हुए बीत गई। ये बड़े एक दुखद त्रासदी है कि इतना बड़ा कवि इतना श्रेष्ठ कवि हमारी परंपरा को प्राप्त हुआ। और जो कहा जाता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, आज वो यहाँ पर घटित हुआ है। हमें समय का ज्ञान ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने जिस प्रकार की एक सार्थक चर्चा यहाँ पर प्रवृत्त हुई उसमें अब अध्यक्षीय वक्तव्य का कोई औचित्य ही नहीं है। वो पूर्व में आप सब विद्वानों के द्वारा संपन्न कर दिया जा चुका है, परंतु मैं मात्र औपचारिकता का निर्वाह कर रही हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि ये प्रोफेसर वसंत भट्ट साहब की कृपा है मुझ पर कि उन्होंने इसलिए मेरा चयन यहाँ किया होगा देवी सिंह जी राठवा और दिलीप भाई के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा इनको समझ आना चाहिए, इसलिए इनको यहाँ पर बिठाया जाए। तो जितने विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं मैं मात्र उनके लिए ही कुछ कुछ बातें कहना चाहूँगी। बहुत विद्वान अग्रिम पंक्ति में और द्वितीय पंक्ति में विराजे हुए हैं। हमारे यहाँ पर शोध की अनेक विधियाँ हैं, शोध प्रविधि के अंतर्गत हम उनको अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं। जो हम लोग पीएचडी से पूर्व में प्री पीएचडी कोर्सेज करवाते हैं, परंतु मुझे कई बार दुख होता है कि उसमें पाठालोचन को हाशिए पर रख दिया जाता है। हम क्या पढ़ा जाते हैं हमें ये ज्ञात नहीं होता। और मैं आपको जो हमारे अंग्रेजी विभाग के अध्यापक हैं मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो एक पाश्चात्य परंपरा है वहाँ पर ये सिखाया जाता होगा कि व्हाट इज रिसर्च, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च आर देयर, परंतु ये संस्कृत की प्रातिस्विकता है कि वहाँ पर हमारे आचार्यों ने हमारे पांडुलिपिकर्ताओं ने हमारे भाष्यकारों टीकाकारों ने प्रयोग के माध्यम से सिद्धांत को दिया है। उन्होंने सिद्धांत के माध्यम से प्रयोग की व्याख्या नहीं की है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हम दे सकते हैं। एक उदाहरण यदि मैं आचार्य दंडी का यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँ, जो कि उसमें श्लेष ही हो जाएगा उदाहरण में, जो कि हमको इस व्याख्यान में प्राप्त हुआ कि पूर्व शास्त्राणि सहृत्य प्रयोगान उपलक्ष्य च यथा सामर्थ्यम अस्माभिः क्रियते काव्य लक्षणम्। कि आचार्य दंडी कहते हैं कोई यदि उनसे पूछे कि आप काव्यादर्श की रचना करने में प्रवृत्त क्यों हुए हैं, आपसे पूर्व में बहुत सारे आचार्य लिख चुके हैं, और तो आचार्य दंडी कहते हैं कि ये जो मैं ग्रंथ रचने जा रहा हूँ इसमें मैंने पूर्व शास्त्राणि सहृत्य
और संहृत्य का अर्थ हमारे टीकाकार जब संक्षिप्त करते हैं फिर उस संक्षिप्त पर वो व्याख्या विकल्प देते हैं कि तेभ्यः सारम आकृष्य, मैंने पूर्ववर्ती जो हमारे आचार्य गण हैं उनके शास्त्रों में से सार सार भाग को ग्रहण किया है और केवल मैंने सिद्धांत को ही नहीं देखा है अपितु प्रयोगान उपलक्ष्य च, मैंने उनके आधार पर जो प्रयोग हुए हैं, जो महाकाव्य लिखे गए हैं, जो नाटक लिखे गए हैं, जो उपन्यास लिखे गए, नाना विधाओं में जो साहित्य रचा है उनको भी हमने सम्यक रूप से आलोचन किया है, तदनंतर हम अपनी किसी अग्रिम शोध में प्रवृत्त होते हैं। और मैं अपने विद्यार्थियों को ये कहना चाहती हूँ कि ये इस प्रकार का हमारे जो आचार्य हुए हैं, हमारे शास्त्रज्ञ हुए हैं, उन्होंने हमको शोध के सिद्धांत अपने ग्रंथों को रचते रचते दे दिए हैं। ये आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हमारे आज के व्याख्यान करने वाले विद्वत महोदय ने उनको किस प्रकार से पूर्व शास्त्राणि संहृत्य प्रयोगान उपलक्ष्य को घटित किया है, वो हमारे लिए एक आदर्श पद्धति का निर्माण किया गया है आपके द्वारा। इसलिए हम स्वयं को बहुत ही समृद्ध पाते हैं कि इस प्रकार की आचार्य परंपरा का हम दर्शन कर पा रहे हैं और हम उनको सुन सुन कर कुछ सीख रहे हैं पद प्रतिपद और पल प्रतिपद। एक तो ये बात मैं कहना चाहती हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि हम पाठालोचन में प्रवृत्त होते हैं और पाठालोचन में प्रवृत्त हुए बिना साहित्यिक आलोचना के साथ आप कभी न्याय कर ही नहीं सकते, जो कि आपका एक बहुत ही दृढ़ सिद्धांत है और केवल आपके द्वारा ही ये प्रतिपादित नहीं किया गया है। सिद्धांत तो मिलता है पर हम उसके प्रयोग में बहुत ही अभी कृपण हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो इसके प्रसंग में भी मेरा ये कहना है कि जो भी हमारे पूर्व में हमको जितनी आलोचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन आलोचनाओं को भी हमको पाठालोचन के प्रसंग में स्थूणा निखनन न्याय से उसका हम उसको हृदयंगम करने के लिए प्रवृत्त होना होगा। ये एक आह्वान आपका प्रतीत होता है और बहुत सारे नए सिद्धांत आपने उपस्थापित किए हैं। हमारी जो दार्शनिक परंपरा है, क्योंकि मेरा मुख्य विषय दर्शन है, आप भले मुझे कवित्री कह दें, कुछ भी कह दें, मैं वो भी कर देती हूँ कुछ कुछ काम, लेकिन उसमें हमारे आचार्य गण जब अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धांतों का खंडन करते थे तब वो कहते थे इति केचित ये केचित कथयन्ति, ऐसा वो कहते थे, वे नामना कथन नहीं करते थे। तो परंतु आज आपने एक नई परंपरा यहाँ पर उपस्थापित की है कि आपने नामना अपने पूर्व पक्षियों का कथन किया है, और परंतु वो कथन करते हुए भी जो आपकी सहृदयता है, आप उस व्यक्ति का खंडन नहीं करना चाहते हैं, जो कि हमारे पूर्वाचार्य भी नहीं करना चाहते थे, आप उस सिद्धांत के प्रति अपनी असहमति अभिव्यक्त करते हैं और उसमें उपपत्तियां प्रस्तुत करते हैं। केवल इसलिए नहीं कि ये वसंत भट्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आपने कहा जब जो भी सिद्धांत दिया उसमें आपने एकाधिक हेतु प्रस्तुत किए, निष्कर्ष प्रस्तुत किया, शोध पत्र कैसे लिखा जाना चाहिए, यदि हमने ये व्याख्यान देखा है, इसका प्रस्तुतीकरण देखा है और बहुत सूक्ष्मता से यदि हमने ये सब सुना है तो हमारे विद्यार्थियों को आज उसका एक बहुत सुंदर प्रयोग प्राप्त हुआ है कि शोध पत्र में ऑब्जेक्टिव्स और द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये क्या है, इसको लेकर हम किस किस बिंदु से सोपान प्रति सोपान अग्रसर होते हैं, ये एक बहुत सुंदर निदर्शन है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसलिए स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने दर्शन जिनसे पढ़ा, प्रोफेसर गणेशीलाल जी सुथार जोधपुर विश्वविद्यालय में वो थे, हैं अभी भी, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परंतु निरंतर अहोरात्र उनकी लेखनी प्रवृत्त होती रहती है, और वो वसंत भट्ट साहब के साथ उनकी जो मित्रता थी
उस मित्रता के कारण आप हमको पुनश्चर्य पाठ्यक्रमों में प्राप्त हुए एक रिसोर्स पर्सन के रूप में, और एक इस प्रकार की अलग जगह ही आपने कि हम आज अपने कक्षा में जब शाकुंतल में पढ़ाती हूँ तो आपके 2, 4, 5 जो शोध पत्र हैं मेरे विद्यार्थियों को उनका वाचन करवाती हूँ, और वो भूमिका बनने के बाद हम शाकुंतल में प्रवृत्त होते हैं। तो एक बहुत बड़ा, अब मेरे विद्यार्थी, मैं सोचती हूँ कि ये बंगाली वाचना और कश्मीरी वाचना मैथिली वाचना सुन के ऐसा थोड़ा सा शिरा प्रकंपित हो जाएगा कि ये क्या है। और एक दिन मैंने बहुत कठिन आपका एक शोध पत्र था तो मैंने कहा आज इसका वाचन करते हैं, क्योंकि उस दिन विद्यार्थी थोड़े कम थे। तो उन विद्यार्थियों में ऐसी ललक जगी, एक कोई दूसरे विषय की बच्ची हमारी कक्षा में बैठी थी कि इन सखियों के साथ जाऊंगी, उसने बाद में कहा काश मुझे पता होता कि संस्कृत को ऐसे पढ़ाया जाता है तो मैं फर्स्ट ईयर में संस्कृत। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने करी। वो आप अहमदाबाद में हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत दुख है कि मैं भी अहमदाबाद में क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपसे बहुत संपर्क आपका रहता है और बहुत सारे शोध पत्र आपके मेरे पास आते हैं और हम उनको पढ़ के अपने विद्यार्थियों के साथ इसलिए हमको उनको साझा करना चाहिए कि ये परंपरा आगे से आगे बढ़े। और परंपरा का जो संस्कृत पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि परंपरा का अर्थ होता है परात परम, जो पूर्व से आगे बढ़े। जो परंपराएं रुक जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं, वे रूढ़ी बन जाती हैं, और हमारी जो परंपरा है वो रूढ़ी को कभी भी रूढ़ी की श्लाघा नहीं करती है, अपितु हम परंपरा का सम्मान करते हैं। तो मैं गुरु चरणों में प्रणाम करती हूँ, और बहुत सारे नए नए नाम आप हमको सिखाते हैं और हम उन्हीं का उच्चारण करके स्वयं विद्वान माने जाते हैं, ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है। मैं बहुत कम अल्पज्ञ हूँ और इस अल्पज्ञता के कारण ये उपहार मिल जाते हैं कि आप हमको इस रूप में यहाँ पर पूरा अच्छे से श्रवण करने का श्रवण लाभ देते हैं। अंत में मैं एक अपनी छोटी सी कविता आपको सुना देती हूँ, बांसुरी से अगर इसका प्रारंभ हुआ तो संस्कृत कविता से मैं सोचती हूँ कि हम इसका संपूर्ति कर देते हैं। और क्योंकि आपने कहा था कि आप कवित्री हैं तो मैंने उस समय मेरे मन में जागा कि अच्छा कुछ ऐसा भी है क्या मुझ में, ये मैं भूल चुकी थी क्योंकि मैं इनका व्याख्यान सुनने में इतनी दत्तचित्त थी। मैंने एक कविता लिखी है जननी मम, बहुत सरल छोटी सी कविता है। जननी मम अशिक्षिता न जानाति सा कियत्यः इष्टिकाः अपेक्षणीया निर्माणे एकस्यापि प्रकोष्ठस्य, परं जानाति सा स्नेहस्य परिमाणः परिवारस्य संश्लेषे। मेरी माँ अशिक्षित है, वो नहीं जानती कि एक कमरे का निर्माण करने में कितनी ईंटें चाहिए, परंतु वो जानती है कि एक परिवार को संश्लिष्ट रखने में कितना स्नेह चाहिए। जननी मम निसर्ग स्निग्धा, जननी मम निसर्ग स्निग्धा जानाति सा आत्मज रक्षणम् झंझावातै जीवनस्य अहोरात्रं संलग्नाः संतत्याः अभ्युदयार्थं शिक्षयति वंश्यान् स्वयं अशिक्षितापि। मेरी माँ निसर्ग स्निग्धा है, नैसर्गिक रूप से स्नेह करना उसका स्वभाव है। वो जानती है कि अपनी संतान का जीवन के झंझावातों से कैसे रक्षण किया जाता है। रात और दिन अपनी संतति के अभ्युदय के लिए वो संलग्न रहती है और अपनी पीढ़ियों को शिक्षित करती रहती है स्वयं अशिक्षित होने पर भी। जननी मम वज्रादपि कठोरा मृद्वी कुसुमादपि, मेरी माँ वज्र से भी कठोर है और पुष्प से भी अधिक सुकोमल है। विरोधाभासा नाम मानवीकरणम अबला सत्यपि सबलतमा, वो विरोधाभासों का मानवीकरण है
कहलाती तो अबला है पर उसके जैसी कोई सबल तमा नहीं है। अंतिम अंश है, जननी मम सर्जना साधर्म्यात सच्चिदानंद रूपिणी। जननी मम सर्जना साधर्म्यात सच्चिदानंद रूपिणी, संतति परंपरया सत मातृत्वं चित यतो हि मोदप्रदा सदैव प्रमुदिता, अतः आनंद रूपिणी स्थूलस्य क्षतिहि न तु सारस्य। मेरी माँ सर्जना साधर्म्य से, आप सब जानते हैं कि या तो प्रजापति ने सृष्टि की है इस संसार की, और फिर अपने अतिरिक्त अगर सर्जना का अधिकार देने योग्य उसने समझा है तो वो जननी को समझा है या स्त्री को समझा है। तो मेरी माँ सर्जना करती है और सर्जना करने का साधर्म्य जो है, इसलिए वो सच्चिदानंद ब्रह्म रूपिणी है। वो अपनी संतति परंपरा से सत रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, उसका मातृत्व चित है, और क्योंकि वो सदा मोदक प्रदा रहती है, प्रमुदिता रहती है, इसलिए आनंद रूपिणी है। स्थूल देह की क्षति होती है परंतु सार तत्व की क्षति नहीं होती, और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर व्याख्यान सुनने के बाद आपने मुझे सुना, और मैं संस्कृत विभाग का, विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय राठवा जी का, दिलीप पटेल भाई का प्रमुख रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं प्रभुनाथ द्विवेदी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दीनानाथ जी यहाँ पर विराज रहे हैं और मेरे गुरु जी हैं ये, मैंने इनसे प्राकृत पढ़ा है BLI दिल्ली में, तो इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और अंग्रेजी विभाग के अंग्रेजी विभाग के यहाँ पर प्राध्यापक हैं, और ये बहुत ही सुंदर युति है आपकी संस्कृत विभाग के साथ, और मणि भाई प्रजापति जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और ये बहुत सुंदर प्रकल्पना है कि आप स्वयं अपने व्याख्यान को, अपने नाम से प्रदान किए गए व्याख्यान को सुनते हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में इसके अतिरिक्त कहीं होता होगा। ये एक नई परंपरा है, और ये सचमुच एक अद्भुत प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं जयतु भारतम जयतु संस्कृत। विस्फोरण थोड़ा सा हो गया था, श्रुति मति सरस्वती स्वरूप विदुषी सरोज बहन जी ने इस व्याख्यान का जो मूल्यांकन किया वो भी सही मूल्यांकन, और एक सरस्वती के द्वारा इस प्रकार व्याख्यान का मूल्यांकन हो, ऐसा उत्तम व्याख्यान सुनने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हुआ, इसलिए उनके प्रति मैं आभार की भावना व्यक्त करता हूँ। जैसे मैडम ने बताया कि ये बड़ी खुशी है कि जिसके नाम की व्याख्यान माला है वो स्वयं इस व्याख्यान माला में सम्मिलित हो रहे हैं, और हम तो चाहते हैं कि वो होते ही रहे। और ये भी हमारे मन में आज एक और परिकल्पना भी हुई है कि 3 दिन की व्याख्यान माला है, 2 व्याख्यान हैं, सेमिनार में ये विशिष्ट व्याख्यान से एक सेमिनार को गरिमा मिलती है, तो 2-3 दिन के व्याख्या 3 दिन का सेमिनार है, 2 व्याख्यान मालाएं हो गई है, 1 शेष दिन बच जाता है, तो इस विभाग के पूर्व अध्यक्ष और हमारे सबके आदरणीय वेदिया साहब तो रहे नहीं हैं, इनके परिवार से भी हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कुछ अध्यापकों ने हमें उस पर चर्चा की है कि ये जो 3रा दिन रह जाता है वो विद्या साहब के नाम पे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सेमिनार भी इन्होंने शुरू करवाया था, तो ये परिकल्पना है, हम इस शुभ दिन के लिए कामना करते हैं कि वो भी जल्द ही संपन्न काम हो, ये सेमिनार को और एक गरिमा मिले।
सेमिनार का विस्तरण करना, जैसे पहले मणि भाई व्याख्यान माला हुई, फिर नांदी साहब की हुई, फिर ये होगी जितेंद्र गांधी फेलोशिप इसमें जुड़ी, तो ये एक दिन प्रतिदिन ये सेमिनार एक ऊंचाई पे जाए, ये हमारी कोशिश है। आप सभी पे सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए आप भी आभारी हैं, मणि भाई विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने ये शुरुआत करवाई आज से बरसों पहले, मैडम कौशल जिन्होंने अध्यक्षता की है, भट्ट साहब तो अब हमारे डिपार्टमेंट के मतलब है यहाँ हमारे साहित्य चुड़ामणि के रूप में है, फिर भी आज के वक्तव्य के लिए उन्होंने जो बड़ा परिश्रम उठाया है इसके लिए हम आभारी हैं, सबका हम धन्यवाद करते हैं और सुझाव भी चाहते हैं कि इसको कैसे ऊंचाइयों पे ले जाए। और विशेष रूप से आज तपस साहब और उषा साहब हेतलवेन उन लोगों ने यहाँ पर पूरा व्याख्यान सुन के इसको एक नई दिशा में भी दिया है, उनके भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और तो अब बाकी पेपर्स हैं सेमिनार इसके, मतलब थोड़ा हम विश्राम लेते हैं क्योंकि फ्रेश हो जाए, और इनके बाद 6 पेपर तो है, लेकिन हमने ये कहा है कि जिन लोगों को रुकना है कल वो शायद कल पेपर प्रेजेंट करेंगे तो भी ठीक है, इसके बाद हम एक आध घंटे का सेशन और लेंगे। मैं सबसे विनती करता हूँ कि हम थोड़े फ्रेश होके फिर से इस सभाखंड में जल्द ही लौटें।